दोस्तों, कई दिनों से कुछ कमेंट इकट्ठा हो गए थे, तो उन कमेंटों का जवाब मैं लेकर के आया हूँ। तो कोई अब मैं स्टेप बाय स्टेप उन सारे कमेंटों का अलग अलग वीडियो में अलग अलग जवाब दूंगा। जो कि आज का जो कमेंट है, आज का जो कमेंट है था, उसका मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इस कमेंट में पूछा गया था कि सेल तथा बैटरी में अंतर क्या होता है, दोनों दोनों चीजों में विभिन्नताएं क्या होती हैं, ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेल है और ये बैटरी है, ठीक है। तो काफी अच्छा, हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है काफी ये प्रश्न था, तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाना उचित समझा। देखिए क्या होता है कि सेल और बैटरी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। हम इसी विषय पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, ये जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाइए और लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो देखिए, सेल और बैटरी, देखिए सेल जो होती है वो एक यूनिट होती है, ठीक है। एक यूनिट जो होगा उसे हम सेल बोलेंगे, और कई यूनिटों को, ठीक है, कई यूनिट को जोड़ने पर जो बनेगा उसे हम बैटरी बोलेंगे, ठीक है। अब एक यूनिट क्या होता है ये उसको देख लेते हैं। देखिए इंडिविजुअल एक, यह दोस्तों एक एक यूनिट है ये, इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक यूनिट है, इसको हम सेल बोलेंगे, ठीक है। एक यूनिट केवल एक होगा। अब इसका मान कुछ भी, तो ऐसा तो है नहीं कुछ भी हो सकता है। यह ज्यादा ज्यादा अगर ये शुष्क सेल है तो इसका जो वोल्टेज होगा 1.5 वोल्ट होगा, अगर सेकेंडरी सेल है तो 2.2 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यह जो है एक यूनिट है, इसको हम सेल बोलेंगे। और अब कई यूनिटों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह बैटरी बन जाएगी। कैसे, देखिए यह एक यूनिट हुई, उसके बाद यह दूसरी यूनिट हुई, उसके बाद यह तीसरी यूनिट हुई, उसके बाद यह चौथी यूनिट हुई, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव हो गया, फिर यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव, फिर यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव, और फिर यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव, ठीक है। मतलब जो छोटा वाला जो डंडा है यह नेगेटिव का है, और जो ये बड़ा वाला डंडा है यह पॉजिटिव का है। तो ये सारे जो ये सेल हैं इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया है, एक ही लाइन में जोड़ दिया है, तो ये सीरीज हो गया। सीरीज में यह अंतर होता है दोस्तों कि इसमें जो पोटेंशियल होता है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो होता है वह बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, पर करंट जो है करंट कम हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको मान के चलिए, देखिए चूंकि एक सेल, जो भी एक सेल होगा उस सेल का जो वोल्टेज होगा वो 2.2 वोल्ट ही होगा। अब अगर मान लीजिए आपको 10 वोल्ट DC की जरूरत है, ठीक है, तो आप जब 10 वोल्ट DC की जरूरत है तो आप 2.2 वोल्ट का एक सेल यदि आप लगाते हैं तो निश्चित बात है, अब यहां पर आपको वोल्टेज की ज्यादा जरूरत है तो आप एक सेल को तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सेल तो आपका 2.2 वोल्ट का ही होगा। तो आप क्या करोगे, करीब 5 सेलों को, क्योंकि 2 वोल्ट का लगभग एक सेल होगा, 5 सेलों को, तो देखिए 4 सेल ये हो गए और ये 5वां सेल हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव, यह नेगेटिव। अब ये 5 सेलों को देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, अब ये 10 वोल्ट का ये सेल हो गया, ठीक है। अब इस 10 वोल्ट के सेल का उपयोग आप कर सकते हो अपने यूज के लिए, लेकिन अब आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अब आपको यहां पर करंट की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, तो आप वोल्टेज के लिए आपने सीरीज में जोड़ दिया। अब अगर आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन आपको करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप बैटरी को पैरेलल में जोड़ दोगे। पैरेलल में कैसे, देखिए यह एक सेल हो गया, यह दूसरा सेल हो गया, यह तीसरा सेल हो गया, ठीक है, इनको आप पैरेलल में जोड़ दीजिए। यह पहली यूनिट हो गई, यह दूसरी यूनिट हो गई, और यह तीसरी यूनिट हो गई, ठीक है। अब आप इनको पैरेलल में जब आप जोड़ेंगे, यह दोस्तों पैरेलल में जुड़ गया, ठीक है, ये आपका पैरेलल में जुड़ गया, ठीक। अब आप इधर से, क्योंकि
क्योंकि देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यह पॉजिटिव यह नेगेटिव, यह पॉजिटिव यह नेगेटिव, यह पॉजिटिव यह नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव नेगेटिव इधर है, तो इधर से आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, इधर से आपको नेगेटिव मिल जाएगा। लेकिन इस क्रम में जोड़ने पर और इस क्रम में जोड़ने पर दोनों में अंतर यह हो जाएगा कि यह क्रम जो होगा इसमें जो वोल्टेज होगी वह 2.2 वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि यह पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे? अब देखिए इसको हम अगर जोड़ते हैं तो देखिए जो अगर आप इसको जोड़ते हैं सीरीज में, तो अब मान लीजिए ये दो दो वोल्ट के सेल हैं, ठीक है, दो दो वोल्ट के पांच सेल हैं, तो अब आप इसको 2+2+2+2+2=10 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2+1/2+1/2+1/2, ये पांच हो गए। लेकिन आप मान के चलिए पांच है ये, इसको आप पांच ही कर लीजिए तो ठीक है, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। यह पॉजिटिव यह नेगेटिव, एक इधर भी जोड़ लीजिए, यह पॉजिटिव यह नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए 3 और 2 5 5 हो गए, ठीक है। अब इनमें एक एक का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट ही है। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 ले लीजिए, तो 2 × 2 = 2+2+2+2+2=2 4 6 8 10 10/4। अब ये पलट जाएगा 4/10, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, ठीक है। अब इसका भाग दे दीजिए आप तो कितना हो जाएगा, 5 का भाग दे देंगे इसमें तो 5×20.4 आ जाएगा इसका वोल्टेज, ठीक है। देख लीजिए 5 का भाग देंगे आप जब 2 में, जाएगा नहीं दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5×20 तो 0.4 वोल्ट आएगा। अब आप देख लीजिए किसी एक सेल में, अब इसमें क्या है कि करंट तो इसमें बढ़ जाएगा लेकिन वोल्टेज कितना हो गया, 0.4 वोल्ट हो गया, और इसमें क्या है आपका वोल्टेज बढ़ गया। ये देखिए ये सबको सीरीज में आपने जोड़ दिया, वोल्टेज बढ़ गया लेकिन करंट जो है वो घट जाएगी इसमें, ठीक है। और जो हमारे घरों में जो बैटरी यूज होती है वह आपने देखा होगा जो आप लेने जाते हो कि 12 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, बैटरी है ना कि ये सेल है। तो इसमें कितने सेल मिले हुए हैं, तो सीधी बात है 12 वोल्ट की बैटरी है तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल कितना होता है, 2 वोल्ट का, और कितने वोल्ट वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि 2-2 वोल्ट की 6 सेल को हम सीरीज में हम जोड़ देंगे तो वह 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपका 6 वोल्ट का आपने अगर आप बैटरी ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 2-2 वोल्ट का एक सेल होगा, ठीक है। इसमें आपका कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की, ठीक है, तो आप 2 × 3 = 3, मतलब 2-2 वोल्ट की 3 बैटरियों को आपने, 3 सेलों को आपने जोड़ दिया है, 2-2 वोल्ट के 3 सेलों को आपने जोड़ा है, तो जिससे यह 6 वोल्ट की बैटरी बन गई, ठीक है। तो जो हमारे घरों की जो बैटरी होती है इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है या कारों में यूज होती है, ट्रकों में यूज होती है, वो 12 वोल्ट 6 वोल्ट वगैरह की बैटरी होती है, जो जिसमें हम एक सेल जो होता है वो हमारा उसमें 2 वोल्ट का होता है, और जितने वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है, उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो जितना होगा, जितना आएगा उतने सेलों को सीरीज में जोड़ करके उस बैटरी को बनाया गया है। तो दोस्तों ये रहा बैटरी और सेल में अंतर। मुझे उम्मीद है कि आपको बैटरी और सेल में अंतर समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि बैटरी इंडिविजुअल एक होता है, ठीक है, बैटरी इंडिविजुअल एक होता है, एक सेल को हम, जो एक यूनिट होता है उसको हम सेल बोलते हैं, और जो कई यूनिटों को जोड़ करके चाहे सीरीज में जोड़ा जाए चाहे पैरेलल में जोड़ा जाए तो वह सेल बन जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं उन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके लेकर के आऊँ और वह कन्फ्यूज़न आपकी हमेशा के लिए हल हो जाए।
इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।